नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद अम्मार उसामी न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। मैं ड्रग इंस्पेक्टर मेहदी पट्टनम। ये समी मेडिकल शॉप को आज सस्पेंशन ऑर्डर दिया था, पर भी आज उन्होंने ओपन कर दिया। इसलिए रात को मुझे खबर मिली कि ये शॉप ओपन है, मैं आके इसको सीज करके जा रही हूँ। क्यों, ये सभी मेडिकल शॉपों को मैं बोल रही हूँ, अगर सस्पेंशन ऑर्डर आया फिर आपने शॉप ओपन किया तो यही हाल होगा। नेक्स्ट टाइम आके सीजर करके कोर्ट में डाल दूंगी। ये फर्स्ट वार्निंग है आप सब लोगों का, कोई भी शॉप नहीं ओपन करना जब सस्पेंशन ऑर्डर दिया है। और बस सस्पेंशन ऑर्डर देने की वजह क्या है? इन लोगों ने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के बिना सेल किया था, रेस्टिल एल्प्रैक्स भी सेल किया था, इसीलिए हमने इनको ही नहीं बहुत सारे लोग को भी हम सस्पेंशन ऑर्डर दिए। इस वीक में दो शॉप को दिया, वो तीन दिन बंद रखे, ये खोल के रखे, इसीलिए हमने इसको वापस आके सीज कर रही हूँ मैं इसको। सस्पेंशन कब दिए थे मैडम? आज सुबह ही डाला मैंने, सुबह आफ्टरनून को मैंने दिया था जी। और उनको मैं बोल के भी गई थी कि मत ओपन करना भैया, पाँच दिन तक सस्पेंशन ऑर्डर है आप लोगों का, पर भी ओपन किए वो लोग। अच्छी बात नहीं है ना, क्या वो डर कैसे आएगा इन लोगों को? हाँ, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट नहीं देना चाहिए, एंटीबायोटिक्स और रेस्टिल एल्प्रैक्स नारकोटिक ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए, और फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हम कर रहे हैं, हम सबका भी कर रहे हैं जो ऐसे कर रहे हैं, और उनको बंद कर रहे हैं, जो ज़्यादा बार कर रहे हैं उनको कैंसिल भी करेंगे हम लोग। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं वेजोन केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गुलाम मोहम्मद खान बोल रहा हूँ। ये गोलकुंडा किले में जो है एक इंस्पेक्शन हुआ अभी, और हमारी लाइफ में जो है सो 25 साल की लाइफ में मेडिकल की पहली बार जो है सो ऐसा इंस्पेक्शन हुआ। कभी भी 6 बजे के बाद में ड्रग डिपार्टमेंट से कोई भी DIs वगैरह नहीं आते थे, मगर पहली बार देखने को मिला कि गोलकुंडे में एक सस्पेंशन ऑर्डर मैडम सुबह में सस्पेंड करके गए थे, शॉप बंद करके गए थे। तो वो शॉप को जो है सो शॉप वाले फिर से वैसे कोई डॉक्टर आके कुछ मेडिसिन जो है सो ज़रूरी है बोलकर बोले, तो उन्होंने जो है सो दुकान वाले खोले गए थे थोड़ी देर के लिए। वो खोलने पर जो है सो उनको इन्फॉर्मेशन मिला डिपार्टमेंट को, तो मिलने पर जो है सो फिर रात में आके अभी जो है सो DI मैडम आकर जो है सो दुकान को सील कर दिए हैं, उसके ऊपर केस करते बोल के बोल रहे हैं। मगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअल जो पहले का जो है सो ऑर्डर था, 2 महीने पहले इंस्पेक्शन हुआ था इनके पास, कुछ ड्रग्स वगैरह जो है सो कुछ निकले थे, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट जो है सो 5 दिन का सस्पेंशन ऑर्डर दिए थे इनको, 5 दिन दुकान नहीं खोलना बोलकर। तो होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर आकर दुकान बंद करके नोटिस लगाकर फ़ोटो लेके जाते हैं, तो सुबह में जो है सो DI मैडम जो है सो फ़ोटो लेकर गए, दुकान बंद करके फ़ोटो लेकर गए, मगर जो है सो शॉप वाले जो है सो कुछ इमरजेंसी के लिए बोलकर शॉप खोले हैं, थोड़ी देर के लिए खोले थे, मगर कोई उनको इन्फॉर्म दे कर दिए हैं कि शॉप खुली है बोलकर। तो मैडम फिर वापस निकल कर आके जो है सो वो दुकान को सील करे। भर अभी मैं मैडम से बात किया तो मैडम ये बोले कि पहले ये नहीं था, मगर 24 आवर्स में जो है मैडम को जो है मैडम नहीं लफ्ज़ ड्रग इंस्पेक्टर्स को 24 घंटे कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं, ये रूल में है। हमको नहीं मालूम था अभी तक कि किसी मेडिकल को, मेरी 25 साल की सर्विस है मेडिकल लाइन में, मगर मैडम बोले कि 24 आवर्स हम कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और मैडम का कहना है कि ऑलरेडी जो है सो ना इन लोग 2 DIs एवरी जो है सो 24 आवर्स में इनका एक ग्रुप है DIs का, इससे पहले भी हमारे को जो है सो बुलाकर जो है ऑफिस में जो है सो बोले थे AD साहब कि पहले ग्रुप नहीं था, ये पिछले ये जब से जो है सो ये नारकोटिक ड्रग्स का जो है सो इशू चल रहा है पिछले 2-3-4 महीने से, उसके बाद डिपार्टमेंट जो है सो नाइट में भी DIs को जो है सो अपॉइंट करे हुए हैं कि सिटी के अंदर 2 DIs 24 घंटे में नाइट में जो है सो उन लोग इंस्पेक्शन करेंगे बोलकर। तो ये हमारे को जो है सो एक हफ्ता पहले जो है सो AD साहब बुलाकर बताए थे कि आप अपने एसोसिएशन में सबको बोल दीजिए शॉप वालों को कि नाइट में कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता बोलकर। तो हम इत्तला तो कर दिए थे, मगर जो है सोचे नहीं थे इन्होंने दुकान खुली रखे हैं, तो उसके ऊपर जो है सो मैडम सील करे दुकान, देखते हैं। सर पहले का ऑर्डर था, 1 महीना पहले जो है सो इनके पास इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें जो है सो शेड्यूल H1 ड्रग्स का एक रजिस्टर होता, जो नारकोटिक ड्रग जो है सो कौन डॉक्टर लिखा उसका रिकॉर्ड लिख के रखना रहता, जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आते उसका जो है सो रिकॉर्ड, फलाने डॉक्टर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये दवा हम दे रहे हैं जैसा कोरेक्स है कोरेक्स हम दे रहे हैं तो कौन सा डॉक्टर लिखा और उसका बैच नंबर उसका जो है सो मैन्युफैक्चरिंग डेट ये एंट्री करके रखना रहता। वो रिकॉर्ड जो है सो इन्होंने नहीं रखे थे पहले, जो जो है शेड्यूल H1 ड्रग्स के जो है सो अगेंस्ट में काम कर रहे थे, तो उसके ऊपर इंस्पेक्शन हुआ था, उसके 1-1.5 महीने के बाद में जो है ये AD साहब जो है सो सस्पेंशन ऑर्डर इशू करते हैं, 3 दिन का 5 दिन का 10 दिन का कुछ भी हो सकता। तो इनको 5 दिन का सस्पेंशन ऑर्डर था,
वो सस्पेंशन ऑर्डर पे मैडम आके सस्पेंड करके शॉप बंद करके गए, मगर इन्हों जो है सो कानून के खिलाफ जो है सो काम करे शॉप खोल दिए, वो इतला मिलते मैडम आके फिर से जो है सो उसको सील कर दिया है। अभी इसके ऊपर अब मैडम बोरे केस करते हैं, हम बोल के देखेंगे, हम हमारे एसोसिएशन की तरफ से एडी साहब को, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, गलती हो गई आदमी से, देखेंगे इसके आगे क्या हो सकता, हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हमारे जो है सो दुकान वालों को जो है सो क्या उनसे एक्सक्यूज हो सकता कराएंगे।